हाँ तो दोस्तों, मिंडा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो 31% से यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 2113 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो अगर हम देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस का जो हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। और अभी कंपनी को 113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि अराउंड 4.5 टाइम्स हमें यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है वो क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये नंबर 29% से बड़ा है और 2113 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो ये नंबर 13% से बड़ा है और 113 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जो कंपनी के नंबर्स हैं ये अच्छे हैं, चाहे सिक्वेंशियल बेसिस के हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो थोड़े कंपनी के मार्जिन पर फर्क पड़ा है, लेकिन देखिए जो यहाँ पे लगातार रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये रिजल्ट मेरे ख्याल से अच्छे हैं। अब देखिए, लगभग 24,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 71 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए, जो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की जो अर्निंग थी उसके मुताबिक यहाँ पे 4 गुना कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, तो उसके बाद ये जो पी का नंबर होगा ये लगभग 50-60 के लगभग आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार यहाँ पे कम हुई है। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे 113 करोड़ का जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये हमें इंडिकेशन देता है कि फिर से कंपनी जो यहाँ पे पहले जो कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाती थी, फिर से वापिस उसी नंबर पर ये कंपनी आती हुई हमें नजर आ रही है। अब देखिए, 865 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, अपने ऑलमोस्ट 1-2% अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी नीचे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक काफी रनअप हो चुका है, लगभग 500-550 के लगभग ये ट्रेड हो रहा था, तो वहां से 30-40% का ऑलरेडी हमने यहाँ पे रनअप देख लिया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं वो चीज़ें यहाँ पे फैक्टरी नहीं है, वो ऑलरेडी फैक्टरी ने, हाँ हो सकता है 4-5% का हमें और यहाँ पे अच्छी खासी हमें रैली हमें देखने को मिले, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे रैली होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लगातार अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे जो एक नया पार्ट है ये कंपनी प्ले कर रही है, तो आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यूज में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।